व्हाट्स अप दोस्तों, मेरा नाम शानवाज है और यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसी वीपीएन जो आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करती है। उसमें से एक वीपीएन ऐसी है जो यार कम्प्लीटली फ्री है। उसके अंदर जो वीआईपी सर्वर है ना, वही मतलब इस मंथ या आप कब वीडियो देख रहे हो, शायद इस मंथ तो भाई फ्री है उसके अंदर वीआईपी सर्वर। अगले मंथ से शायद पेड हो जाएगा क्योंकि अभी वो न्यू ही लॉन्च हुई है। और जो बाकी सारी ऐप्स है ना, उसके अंदर फ्री सर्वर्स भी हैं जो यार कुछ हद तक सिक्योर है, और बाकी यार जो वीआईपी हो तो सिक्योर होते ही है। लेकिन जो पहली ऐप यार यहाँ पे निकल के आती है वो सुपर वीपीएन, वो भी जस्ट न्यू ही रिलीज हुई है। उसके अंदर जो वीआईपी सर्वर है ना गाइज, वीआईपी सारे सर्वर ही मतलब मोस्टली सब सिक्योर ही होते हैं, और वो लोग फिलहाल फ्री में दे रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट शायद उनके 10,000 डाउनलोड्स होंगे, तो मैं सबसे पहले उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मतलब मैंने यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने सारे जो वीआईपी सर्वर है जर्मन वगैरह के जितने भी सारे सर्वर है वो सारे के सारे ही फ्री है। तो यार गाइस सबसे पहले तो मैं वही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो जाकर डाउनलोड कर लो, वो यार टोटली फिलहाल फ्री है। अगर यार आप जब जाके अभी डाउनलोड करोगे तो अगर फ्री वो नहीं है तो आई एम रियली सॉरी गाइस, अगर आप ये वीडियो को देखने में लेट हो गई है तो यार आप चैनल में और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सकता है मैंने इसके ऊपर कोई अपडेट वीडियो बनाई है। तो ये तो हो गई फर्स्ट वीपीएन की बात। तो यार आते हैं सेकंड वीपीएन की बात। तो यहाँ पर सेकंड वीपीएन जो निकल के आता है, जो कि टोटली फ्री तो नहीं है लेकिन उसका कुछ पार्ट आपको फ्री मिल जाता है, तो नंबर टू है प्रोटोन वीपीएन। जो है प्रोटोन वीपीएन ये काफी ज्यादा फेमस कंपनी है। तो इसके अंदर इनकी ना कुछ स्कीम है जिसके अंदर आपको ना मतलब एक यूजर अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको कुछ लिमिटेशन के साथ एक फ्री वीपीएन मिल जाता है जो कि कुछ हद तक सिक्योर होता है। अगर इनसे कोई डेटा मांगता है कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट वगैरह की, हाँ ये वीपीएन कौन यूज कर रहा है या फिर ये आईपी एड्रेस कौन यूज कर रहा है, तो ये लोग डेटा दे देते हैं फ्री वालों का, और जो मतलब पेड वाले हैं उनको नहीं देते हैं। और जो मैंने पहले बताई जो सुपर वीपीएन, यार उसके अंदर वो लोग किसी को भी डेटा शेयर नहीं करते। मैंने उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी है, वहाँ पर यार आप भी जाकर पढ़ सकते हो। मैंने इसलिए डिस्क्रिप्शन में वो ऐप का लिंक दे दिया है। तो यार मेरे फर्स्ट रिकमेंडेशन तो वही रहेगी जो सुपर वीपीएन की। नंबर दो पर है हॉटस्पॉट वीपीएन। ये बेसिकली आपका हॉटस्पॉट जैसा लग रहा होगा, लेकिन यार लेकिन इसकी खास बात क्या है ना, ये तो सारे फीचर्स आपको देती है। इसके अंदर लगभग 15 कंट्रीज जो है उसकी फ्री वीपीएन मिल जाएगी, और ये आपको कुछ हद तक सिक्योरिटी देता है। जैसे कि आपको ये कभी भी गूगल को शेयर नहीं करेगा, फिर किसी और कंपनी को आपका डेटा शेयर नहीं करेगा, लेकिन ये भी गवर्नमेंट को शेयर करेगा डेटा, क्योंकि यार इनके प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ, अगर आप फ्री वाले वर्जन लेते हो तो वहां पर आपको ये लोग गवर्नमेंट को डेटा शेयर करेंगे। जैसे कि अभी फिलहाल पबजी बैन हुआ है, लोग या वीपीएन पे खेल रहे ताकि गवर्नमेंट पे एक्शन ना ले, तो ये वाली ऐप ना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप पबजी वगैरह नहीं खेल रहे, कोई और गेम्स खेल रहे, फिर कुछ और भी काम के लिए खेल रहे हो ताकि आपके सर्विस प्रोवाइडर को ना पता चले कि आप मतलब कहां पर विजिट करो, बहुत सारी ऐसी साइट्स जो ब्लॉक होती है, तो उसके लिए हॉटस्पॉट वीपीएन बहुत ज्यादा सही है। इसके अंदर आपको 700 MB की लिमिटेशन मिल जाती है पर डे की। आपको इसके अंदर बस खाली एक अकाउंट क्रिएट करना है, और बस यार आप गो टू हो, आपको 700 MB पर डे की लिमिटेशन मिलती है। और फिर भी मैं प्लग करता हूँ नंबर वन वाली वेबसाइट को, नंबर वन वाली जो अपनी वीपीएन ऐप है, उसके अंदर आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं मिलती है, टोटली फ्री है फिलहाल के लिए। आप ये मतलब एक बार चेकआउट जरूर कर लेना कि ये कब तक फ्री है, मुझे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है। मैं इसे यूज़ करो, मैंने इसे डाउनलोड करके रख लिया अपने 2-3 डिवाइसेस के अंदर, और ये फिलहाल पीसी के लिए नहीं है, बस खाली एंड्रॉयड के लिए ही है। और जो है हॉटस्पॉट वीपीएन है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। इसके $19 का पैकेज आता है जहाँ पर ये आपको मतलब विदाउट एनी लिमिट यार आप मतलब अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो $19 पर मंथ के हिसाब से, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अगर आपको फ्री चाहिए तो नंबर वन जो है सुपर वीपीएन। तो यार अब अगले यार आते हैं Hi.me VPN के ऊपर, या जो नंबर 3 पे रहे ना ये Hi.me VPN, यार काफ़ी ज़्यादा पुराना है। मैं यार इसे मतलब देखा हूँ, वो लोग जो मतलब चाइना वगैरह में होते हैं ना, वहाँ पर YouTube वगैरह का बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और इसके अंदर जो आपको फ्री वर्जन मिलता है उसके अंदर आपको डेली 1 GB की लिमिट मिलती है। 1 GB तक का आप कॉन्टेंट स्ट्रीम कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो और भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जो कि फ्री है, उसके बाद आप मतलब और भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे आपकी कोई फाइल है जो कि आप 2 GB से ज़्यादा की है तो आप एक बार में नहीं डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसको पॉज करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है वो डाउनलोड ही ना हो एक बार में, आपको मतलब एक पेड वीपीएन लेना ही पड़े। तो यार इनका भी प्लान जो है ना वो $10 से स्टार्ट होता है पर मंथ, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यार अगर आप चाहते हो फुली सिक्योरिटी, और हाँ ये डेटा किसी को भी शेयर नहीं करते हैं, इनकी यार प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है ये किसी को भी डेटा नहीं शेयर करते किसी भी कंपनी को। इनका प्राइस मुझे ठीक ठाक सा लगा है $10, लेकिन फिर से मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर जाके सुपर वीपीएन को चेकआउट कर लेना कि मतलब वो फिलहाल फ्री है या फिर नहीं। आप एक बार डाउनलोड करके देख लो, अगर उसके जो वीआईपी सर्वर से वो फ्री है तो यार बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो शायद वो लोग इतना हाई प्लान नहीं रखेंगे शुरुआत में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप अभी ले लेते हो उसका एक्सेस तो शायद आपको लाइफ टाइम ही फ्री मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और उसके बाद आप जाते हैं बेटर नेट की तरफ। जो बेटर नेट है ना, ये मैं एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ किया करता था जब इनके प्लान आते थे $1 पर मंथ के, लेकिन अब इनके प्लान काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए, और इसके अंदर आपको 5 GB का डेली मतलब फ्री मिलता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड कंट्रीज है, जैसे UAE हो गया और मतलब
दो तीन, जैसे कि सिंगापुर हो गया और कनाडा हो गया, ये सब कुछ ही कंट्रीज जो आपको फ्री एक्सेस मिलती है वीपीएन के अंदर, जो कि 5GB का आपको लिमिट देखने के लिए मिलता है। और यार ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इसके अंदर स्पीड यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको भी ज़्यादा लोग जानते नहीं है, और मैं इसे इसीलिए डाउनलोड किया था शुरुआत में कि ये मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इसकी स्पीड भी अच्छा है। इसके प्लान की बात किया तो यार इसके अंदर जो आपको प्लान मिलता है ना, वो प्लान यार शुरुआत होती है $12 पर मंथ की, और ये पीसी और फोन दोनों में आपको काम कर जाएगा। लगभग इसके आपको 3 अकाउंट्स देखने, मतलब 3 डिवाइसेस पर सपोर्ट करेगा 1 अकाउंट, तो ये अच्छी बात है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर आपको पेड लेना है तो यार ये मतलब ये हाइडमी को तो मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये बेटर नेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों अगर आपको अभी जस्ट खरीदना है तो ये दोनों आप पेड करके खरीद सकते हो, $10-15 के अंदर आपको दोनों ही पर मंथ मिल जाएंगे। लेकिन यार अगर आप चाहते हो फिलहाल कि मतलब आपको फ्री VIP जो भी है सर्वर आपको फ्री मिल जाए, किसी भी तरह की मतलब सिक्योरिटी का कोई टेंशन ना हो, गवर्नमेंट को भी डेटा ना प्रोवाइड हो, ना गूगल को डेटा प्रोवाइड हो, किसी भी बाहर की कंपनी को कोई डेटा ना प्रोवाइड हो, और यार बिल्कुल से आराम से आप कंटेंट एंजॉय कर सको और फास्ट सर्वर के साथ, या मैं यूज़ कर चुका हूँ, मुझे मतलब मेरा 12 MBPS के इंटरनेट वैसे आती है नॉर्मल ही, और जो मैंने उसे कनेक्ट किया तो 11 MBPS आ रही थी यार, सिर्फ 1 MBPS, जो कि यार मतलब वाईफाई के लिए बिल्कुल ही मामूली बात है, ड्रॉप हुई थी शायद वहाँ पर कम यूज़र है अभी। तो यार आप एक बार डाउनलोड कर लो और देख लो यार, अगर फ्री आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शायद अभी आप इस डेट में देख रहे हो, देख लो एक बार, शायद 2 महीने के लिए फ्री है या फिर 1 महीने के लिए, मुझे बराबर याद नहीं है यार। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो यार, सारी मैंने लिंक्स डाल दी, सबसे ऊपर आपको सुपर VPN का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो यार डाउनलोड करो और यार मुझे जरूर से कॉमेंट करके बताना, और या वहाँ पर भी रिव्यू आप छोड़ सकते हो, शायद उन लोग का कुछ तो मतलब एक बार आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेना, या उनके अंदर वो लोग गिव अवेज भी अनाउंस करते हैं शायद से, तो यार आप हो सकता है जीत जाओ। तो यार थैंक्स मी लेटर अगर आपको जीत जाते हो, तो यार मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। यार ये वाली वीडियो यहीं तक के लिए, मुझे मालूम है इस तरह का कंटेंट मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन यार बहुत सारे गेमर्स की मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था कि भाई बता दो पबजी बैन हो गया, तो यार क्या कर सकते हैं हम लोग, और खेल तो वैसे सर्वर से ओपन है लेकिन ये सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी, गवर्नमेंट कभी भी आके पकड़ सकती है IT सेल वाले हमें। तो फिलहाल तो यार साइबर क्राइम से थोड़ा बच के रहो, अगर VPN यूज़ कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है कोई और कंट्री का यूज़ करके, ठीक है। तो सुपर VPN के बाद ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ये सारे मैंने VPN आपको बताए, ये सारे बिल्कुल से ट्रस्टी हैं, मेरी गारंटी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं यार नेक्स्ट वाली वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लो यार, मैं इसी तरह के नहीं तो और भी दूसरे तरह की गेमिंग कॉन्टेंट डालते रहता हूँ और ब्लॉग्स वगैरह।